देखिए, ये धरती जो एक ऐसी संस्कृति थी जिसने मानव चेतना को मुख्य पहलू बनाकर विकास किया था, समय के साथ वो ज्यादा नैतिकवादी हो गई बजाय चेतन होने के। जब ये नैतिकवादी बन गई तो उन्होंने ये तय करना शुरू कर दिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो एक चीज ये हुई कि हमने सोचा कि जीवन के सूक्ष्म पहलू क्या हैं, गणित, खगोल विज्ञान, संगीत में बहुत गहरी संलिप्तता। इस तरह हम ऐसे बन गए, इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में गहराई से डूब गए, लेकिन हमने पर्याप्त योद्धा नहीं पैदा किए। तो जब हमलावर आए, वो हमले के इरादे से नहीं आए थे, वो सिर्फ लुटेरे थे। वो बस लूटना, बलात्कार करना और भागना चाहते थे, यही उनका तरीका है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग इतने ज्यादा सीधे हैं, तो लुटेरे राजा बन गए। वो एक गंभीर गलती थी जिसे अब हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए शायद हम नहीं जानते कि इसका क्या महत्व है। मैं उसका कोई विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन कई चीजों में भारत में एक सबसे लोकप्रिय शिक्षा एक रणभूमि में दी गई थी। एक ऐसे इंसान जो एक योद्धा के गुरु हैं और उन्हें एक दिव्य जीव के रूप में भी देखा जाता है, वो उसे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि यही समस्या है, अपनी ही नैतिक बकवास में उलझे हुए। वो नहीं करेंगे जो उन्हें उस समय करना चाहिए। अगर आप अपनी जमीन, अपनी स्त्रियों, अपने बच्चों, अपनी संस्कृति, अपनी दौलत को नहीं बचा सकते, तो आप पुरुष ही नहीं हैं, इसका यही अर्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई लड़ाई करे, लेकिन योद्धाओं का एक समूह होना चाहिए, लड़ाई छेड़ने के लिए नहीं, लेकिन अगर जरूरत हो तो उन चीजों की रक्षा करने के लिए जो आपके लिए कीमती हैं। अब अगर मैं कुछ कहूं तो अरे ये कैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु को बस अपने चेहरे पर कब्ज जैसा भाव लेकर बैठना होता है। आप ऐसा कर सकते हैं? हम जानते हैं कि अतीत में हमारे साथ कैसी भयानक चीजें हुई हैं। आज आप और मैं ये बात कर रहे हैं क्योंकि कई सारे, करीब 10 लाख महिलाएं और पुरुष इस देश की सीमा पर डटे हुए हैं, ताकि आप और मैं यहां चल सकें, जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में बात कर सकें। अगर वो वहां ना खड़े हों तो मारकाट यहां होगी, कहीं और नहीं। हमें यह पता होना चाहिए। लोगों को लगता है कि लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं पर होती हैं, वो बस मूर्ख हैं। लड़ाइयां हुई, लड़ाइयां शहरों में आई, उन्होंने शहर जला दिए, उन्होंने लोगों के साथ भयानक चीजें की। क्या हम भूल गए? दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि लड़ाइयां सीमाओं पर होती हैं। लड़ाई सीमा पर है क्योंकि जो लोग सीमा पर डटे हैं वो उन्हें देश के अंदर नहीं आने दे रहे। ये उनके समर्पण, उनकी लगन, उनके त्याग के कारण है कि हम यहां बात कर रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए।